गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज जो हम लोग जो पिछले सेशन में हम लोग बहुत जो 5 तक हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 यानी 1.5 इस तरह से हम लोग 3, 4, 5 इस तरह से हम लोग डिस्कस किए वोकैब को, और वोकैब को डिस्कस किए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 2 से चलेंगे, 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे एक आई बटन होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका पिछले वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का वीडियो आपको लगता है पसंद, अगर पसंद लगेगा तो मीन्स लाइक कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए आते हैं आज का जो वोकैब है, आज जो एंटोनियम और सिनोनियम का डिस्कस करेंगे, एंटोनियम सिनोनियम्स का डिस्कस करेंगे और साथ ही वोकैब भी सीखेंगे। तो आज का जो वोकैब है, ध्यान से समझना दोस्तों, पूरे ध्यान से। क्या समझना है? पूरे ध्यान से देखना है। तो आज हम दो वर्ड या डिस्कस करेंगे, दो वर्ड, और दोनों वर्ड में एंटोनियम और सिनोनियम्स की बात करेंगे। तो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की बात करेंगे तो एक हम लोग का यहाँ दो वर्ड है, एक है बेनी, ठीक है, बेनी या बोन बोल सकते हैं, या इसी को हम बेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो तीन वर्ड्स लिखे हैं, और तीनों जो है इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ है क्या है? गुड है, ठीक है, गुड, या हम वेल बोलते हैं, वेल या गुड। इसी में से एक इसी का जो ऑपोजिट वर्ड जिसको हम सिनोनिम्स बोलेंगे, सिनोनिम्स जो है, सिनोनिम्स की बात करेंगे। जैसे एक मेल, MEL, मेल मेल, या अगर मेली रहे, मेल या मेली रहे, तो इस वर्ड में मेली रहे या मेल रहे, तो इस वर्ड का जो मीनिंग दोस्तों देखेंगे, तो इस वर्ड का जो मीनिंग होगा यहाँ पे आपका मिस बेड होगा, BAD, बेड या इविल, है ना, मतलब बेड या इविल होगा। और बेड या इविल मतलब खराब बोलेंगे, बुराई बोलेंगे, गुड अच्छाई, अच्छा बोलेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं जो एंटोनियम, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करेंगे। दोनों साथ साथ में याद करेंगे, और बहुत अच्छे तरह से कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, जहां भी बेनी शब्द आए, बेनी या बोन या बेन शब्द आए, या मेल मेली जो भी है, ये दोनों वर्ड्स में आए, अगर बेन बेन बेनी आए, इसका मतलब गुड के बात कर रहा है, अच्छाई के ही बात कर रहा है। अगर मेल आए या मेली आए, इसका मतलब बुराई के बात कर रहा है। तो चलिए, इसका जो अपोजिट है मीन्स एंटोनिम्स है। चलिए, बेनी शब्द आया, बेनी डिक्सन, फर्स्ट वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, बेनी डिक्सन। अगर बेनी डिक्सन, बेनी का मतलब अच्छा, और डिक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे डिक्ट है, डिक्ट का मतलब स्पीक, मतलब बोलना, अच्छा जो बोलता है, जिसको हम अच्छा बोलने वाला को हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा बोलने वाला, मतलब बेनी डिक्सन का मतलब है आशीर्वाद देना या ब्लेसिंग देना, मतलब वो अच्छा बोलकर ब्लेसिंग दिया जाता है, खराब बोलकर नहीं दिया जाता है। उसी को मेली डिक्सन की बात करें, मेली डिक्सन, मेली का मतलब मेली या मेल जो है, मेली या मेल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि बुराई, मतलब अच्छाई नहीं, बुराई की बात कर रहा है। मिस मेली डिक्सन का मतलब है अभिशाप, मतलब कर्ष दे रहा है, बुराई है ना, अभिशाप दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर, बेनी का मतलब अच्छा, और फैक्टर का मतलब है कार्य, मतलब कार्य, मतलब अच्छे कार्य करने वाला, या अच्छा कार्य, अच्छा कार्य बोलेंगे तो बेनिफेक्टर। बेनिफेक्टर मीन्स डोनेशन, मतलब जो दान करने वाला है ना, दान करने वाला को हम बेनिफेक्टर बोलेंगे। मेलीफैक्टर जो है मीन्स यहाँ पे अच्छे कार्य किया गया, इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे बुरे कार्य, मतलब दुष्कर्मी करने वाला मेलीफैक्टर है। नेक्स्ट है बेनी वायलेंट, बेनी वायलेंट, बेनी वायलेंट की बात करेंगे तो बेनी वायलेंट जो है, बेनी का मतलब अच्छा, और वायलेंट का मतलब दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला।
जिसको हम परोपकारी बोलते हैं, दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, पहुंचाने वाला है तो देनी, वायलेंट बोलेंगे। अगर दूसरे को बुराई करने वाला है, बुराई पहुंचाने वाला है तो इसको हम मेनली वायलेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका बेनिफिशियंट। बेनिफिशियंट बेनिफिशियंट मतलब मीन्स फायदा पहुंचाने वाला, जिसको हम बेनिफिशियंट बोलेंगे उसी को हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला तो इसको हम मेलिफिसेंट बोलेंगे। मेलिफिसेंट बिनाइन बोलेंगे। बिनाइन जो है मीन्स अच्छे व्यक्ति, काइंड या जेंटलमैन जिसको बोलते हैं उसको हम सभ्य बोलेंगे। सभ्य बोलेंगे, बिनाइन बोलेंगे। इसी तरह से मेलिन जो है, जिसको हम दयालु मतलब वो दुष्ट व्यक्ति है ना, वैसे लोगों को हम घातक बोलेंगे। घातक है ना, तो उसको मेलिन बोलेंगे। लाइन ल इन, इसको प्रोनाउंसिएशन बात करेंगे तो मे ना इन। और ये उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बे ना इन बेन बेन बे बे नाइन। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे बेनी ग्रेंट। बेनी ग्रेंट मतलब इसका भी मीनिंग यही है, लगभग लगभग काइंड जेंटल और सभ्य सभ्य। और मेली ग्रेंट मीन्स मेली ग्रेंट मीन्स नुकसान दे, नुकसान पहुंचने, नुकसान दे। और इसको मतलब नुकसान कौन पहुंचा सकता है, एक दुष्ट पापी व्यक्ति, एक अपराध व्यक्ति, मेली ग्रेंट भी अपराध बोल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों एक है बोनाफाइड। बोना बोन से लिए थे, बोनाफाइड है ना, बोनाफाइड और बोनाफाइड एंड मोनाफाइड ध्यान से थोड़ा सा समझना कि बोनाफाइड बोना बोना फाइड। और बोना का मतलब होता है, बोना का मतलब अच्छा, मतलब बोना का मतलब गुड है ना। बोना फाइड मतलब बोना का मतलब गुड, और फाइड का मतलब ट्रस्ट। ट्रस्ट बोनाफाइड मतलब अच्छे पर विश्वास करने वाला, जो अच्छा व्यक्ति हो तो उस पर विश्वास करेंगे, मतलब विश्वास करना बोनाफाइड। इसी तरह से यहाँ दूसरा है मेला फाइट। क्या है मेला फाइट? मेला फाइट जो है मेला मेला फाइट, अगर मेला फाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है मेला का मतलब बैड, और फाइट मतलब बुरे चीजों पर विश्वास करना। बुरे चीजों पर विश्वास करना मतलब बैड थिंग्स है, बैड ट्रस्ट जो है उसको हम लोग इसको हम सिनोनिम एंटोनिम सिनोनिम को डिस्कस किए इतना। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज अगर पढ़ेंगे, इसको यूज करने के लिए तो हम लोग एक स्कूल में या कॉलेज में जो बोनाफाइड मिलता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मतलब एक सर्टिफिकेट के रूप में यूज करते हैं, सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट। और एक आप सुने होंगे कभी कभी फिल्म में भी बोलता है कि बोनाफाइड स्टोरी, बोनाफाइड स्टोरी इस तरह से सुनते होंगे। एक दूसरा भी बोलता है बोनाफाइड स्टोरी, बोनाफाइड इंटेंशन, बोनाफाइड इंटेंशन, इस तरह से हम लोग करते हैं। दोस्तों यहीं पे आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेके आएंगे। इस तरह से वर्ड्स आपको आसानी से मतलब याद हो जाए और याद कर ले, ताकि आपको एग्जाम में आए, किसी भी एग्जाम में इंग्लिश का अगर पेपर है और इंग्लिश का पेपर में अगर इस तरह का वर्ड आए तो आप आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसमें हम लोग तीन चार चीजें सीखे, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सीख लिए, एक एंटोनिम और सिनोनिम भी सीख लिए, दूसरा जो है तीसरा जो है यहाँ से आप क्या बोलते हैं स्पेलिंग, जो स्पेलिंग एरर होते हैं वो भी सीख जाएंगे। इससे ये करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से कर लेंगे। थैंक यू।